आज के डाइट टॉक में हम बात कर रहे हैं बनाना की। ये फ्रूट है मैजिकल, रखता है डाइजेशन दुरुस्त, पोटेशियम से भरपूर है ये फल, रखता है दिल का ख्याल। सो इफ यू वॉन्ट टू बी फिट, डू कीप बनाना इन योर फ्रूट किट। हाय ऑल, मैं हूं आपकी डाइटिशियन मनप्रीत और आज मैं आपको बताऊंगी केले में पाए जाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स का। केला एक बहुत ही गुणकारी फ्रूट है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फाइबर, इसके अलावा ट्रिप्टोफैन जो कि एक बहुत ही अच्छा मूड एनहांसर है, ये एक तरीके का अमीनो एसिड होता है जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में केले में पाया जाता है। तो अगर आप इसका सेवन हर रोज़ करते हैं सो डेफिनेटली अगर कभी आपका मूड ऑफ है तो इसको खाने से आपका मूड ऑन हो सकता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि कभी भी आप अगर लो फील करें तो हैव वन बनाना। इसके अलावा बनाना में बहुत अच्छी कैलोरीज हैं, तो जो भी लोग अपना वज़न गेन करना चाहते हैं या वेट गेन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए केले का शेक बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो भी पेशेंट्स या जो भी मरीज़ अल्सर्स की प्रॉब्लम से जो जा रहे हैं या जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए एक ठंडा बनाना शेक हर रोज़ पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा केले में बहुत ही अच्छा फाइबर, विटामिन B6 और विटामिन सी होने के कारण ये एल्डरली यानी कि जो 60 की ऊपर की उम्र के लोग हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इनटेक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये अच्छी कैलोरी वाला फ्रूट है। तो अगर हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में केला या केले और दूध का शेक बनाकर देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि केले का इनटेक थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में ही रखें। ऐसा नहीं है कि केला आपको मना है, बट थोड़ा अपनी शुगर्स को देखकर ही आप केले का इनटेक करें। इसके अलावा केले में कैल्शियम बहुत अच्छा है तो आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा, ये केला आपको स्ट्रोक से होने वाली प्रॉब्लम से भी बचा सकता है। इसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा केला आपकी स्किन और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर जिनको भी नकसीर फटने की दिक्कत है तो वो भी केले का सेवन कर सकते हैं। वो भी इसका इस्तेमाल शहद या चीनी के साथ दूध में मिलाकर एक हफ्ते तक रोज़ाना लें, ज़रूर आपको इस चीज़ में सुधार दिखेगा। तो ये थे बनाना के हेल्थ बेनिफिट्स। हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे कुछ और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए केयर वर्ल्ड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।